हे दोस्तों, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नीट का केस जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसका डेट के बारे में और उसके साथ राउंड टू का जो रिजल्ट है, अलॉटमेंट का रिजल्ट, वो कब आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सीबीएसई में जो केस रजिस्टर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने 196 मार्क्स देने की बात की थी, उसका जो हेयरिंग होने वाला है वो 20 जुलाई को होगा, यानी कि इस फ्राइडे को हेयरिंग होने वाला है। पहले यह हेयरिंग 18 जुलाई को होने वाला था, फिर वह चेंज होकर 20 जुलाई कर दिया गया है। ये कंफर्म है कि आपका 20 जुलाई को केस का रिजल्ट आ जाएगा। इस केस के रिजल्ट के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि वो जो नया मेरिट लिस्ट बनने वाला था वो बनेगा कि नहीं, या फिर वो जो अलॉटमेंट का रिजल्ट आने वाला था वह भी आपको इस केस के बाद ही पता चल जाएगा। फिलहाल मेरे पास इतनी जानकारी है, आगे जैसे भी अपडेट आता है मैं आपको देते रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथ वो भी अपडेट हो जाए। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएँ, ताकि जब भी हम आपको अपडेट देना चाहें आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।